बेडमीपुरी के राज का आज होगा पर्दाफाश। जी हाँ, जब दिल्ली के ट्रेडिशनल नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है बेडमीपुरी का। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बेडमीपुरी आपने खाई तो जरूर होगी, लेकिन इंटरनेट पर पहली बार आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की सबसे लेजेंडरी बेडमीपुरी की शुरुआत से एंड तक कंप्लीट मेकिंग, जिसे देखकर ना केवल आपके मुंह में पानी आ जाएगा बल्कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अभी यहां पर बेडमीपुरी बनाने की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए भगोनों को भट्टी पर चढ़ाकर उनमें डाला जा रहा है तेल। दोनों ही भगोनों के अंदर देखिए तेल डाल लिया गया है और उसके बाद अब इस तेल में डाला जा रहा है जीरा। जीरा डालने के बाद अजवाइन ली है और अब अजवाइन डाली जा रही है। जब तक जीरा और अजवाइन तेल में गर्म होंगे तब तक यहाँ पे और मसाले निकाले जा रहे हैं। तो ढेर सारा इन्होंने नमक निकाल लिया है और नमक के ऊपर काफी सारा धनिया पाउडर भी ले लिया है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर लेकर जो तेल अपना गर्म हो चुका है उसके अंदर डाली जा रही है, और लाल मिर्च भी आप देखिए बहुत सारी डाल दी है इन्होंने तेल के अंदर। उसके बाद ये गरम मसाला ले रहे हैं और गरम मसाला आप देख सकते हैं बहुत मोटा कुटा हुआ है इनका, और इधर आप देखिए गरम तेल के अंदर इन्होंने पानी चला दिया है पाइप से। तो यहाँ पर पानी चलता रहेगा और उधर इन्होंने गरम मसाले के ऊपर देखिए और लाल मिर्च ले ली है। अब इसके ऊपर कसूरी मेथी भी डाली जा रही है और कसूरी मेथी भी खूब सारी क्वांटिटी में ली है। फिर मसालों से भरे हुए इस बर्तन को उठाया है और ये सारे मसाले भी इसी भगोने के अंदर डाल दिए गए हैं। अब पलटना चलाकर इन मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिलाया जाएगा और पकाया जाएगा। उसके बाद टमाटो की प्यूरी लेकर आई जा रही है यहाँ पर, और आप क्वांटिटी देखिए कितनी टमाटो की प्यूरी लाई गई है। पूरा ये टब भरा हुआ है टमाटो की प्यूरी से। अब ये इसमें से ली जा रही है और इसको डाला जा रहा है उस बड़े वाले भगोने के अंदर। पूरा का पूरा टब टमाटो प्यूरी का इसी भगोने के अंदर खाली कर दिया गया है, और उसके बाद पूरी एक परात ली है दही की और वो भी इसी के अंदर डाल दी है। सब्जियां यहाँ पर दो तरह की बनाई जाती है, तो दूसरे भगोने के अंदर भी टमाटो प्यूरी लाके डाल दी गई है, और अगली 15 मिनट तक टमाटो प्यूरी को इन दोनों ही भगोनों में तेल और मसालों में बढ़िया तरीके से पकाया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर उबले हुए आलू लेकर आए जा रहे हैं, और इनकी भी आप क्वांटिटी देखिए, पूरी कैरेट भर के लाए हैं उबले हुए आलू की, और ये भी पूरी की पूरी कैरेट देखिए इसी भगोने के अंदर यहाँ पे खाली कर दी गई है। इसके बाद एक और क्रेट उबले हुए आलू इसके अंदर डाल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं भगोना ये अपना पूरा ऑलमोस्ट ऊपर तक भर चुका है, लेकिन अभी भी इसमें और पानी डाला जाएगा और इन आलुओं को पलटने से बढ़िया तरीके से इसके अंदर मिलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उबले हुए छोले लिए जा रहे हैं और उन्हें डाला जा रहा है दूसरे वाले भगोने के अंदर। यहाँ पर भी आप देखिए पूरा का पूरा छोटे वाला भगोना ही छोलों से भरा हुआ इस बड़े भगोने के अंदर खाली कर दिया गया है, और केवल एक भगोना नहीं बल्कि एक और भगोना भर के छोले इसके अंदर डाल दिए हैं, और इनके ऊपर से यहाँ पे डाल दी गई है पकौड़ियाँ। अब इन पकौड़ियों को देखिए पलटना चला चला के बढ़िया तरीके से इसमें मिलाया जा रहा है। जो अपना दूसरा भगोना था जिसमें आलू लिए थे उसके अंदर भी पकौड़ियाँ डाल दी गई है। ऊपर से थोड़ा सा डाला गया है सूखा मसाला, और उसके बाद गीला मसाला भी डाल दिया गया है इसमें। फिर इन्होंने हींग का पानी लिया है और वो भी डाल दिया गया है इसके अंदर। सारी चीजें डालकर बढ़िया तरीके से इन्हें मिलाया जाएगा और सब्जियां अपनी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आटा लेकर आया जाएगा, और आटे के बाद उड़द दाल की पिट्ठी लेकर आई जाएगी। आटे से पहले छोटी छोटी लोइयां तोड़ी जाएंगी, इन लोइयों के अंदर यहाँ पे दाल की पिट्ठी भरी जाएगी और उनके छोटे छोटे गोले बना लिए जाएंगे। इन गोलों के ऊपर अच्छे से तेल लगाया जाएगा और फिर इन्हें यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इन गोलों को बेला जाएगा और बेल बेल कर पूरी की शेप दे दी जाएगी। फिर इन पूरियों को डाल दिया जाएगा गरम तेल में, जहाँ पे अच्छे से पकेंगी, और जब ये बढ़िया तरीके से पक जाएंगी तो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, और जो अपनी दो सब्जियां तैयार हुई थी आलू की सब्जी और छोले की सब्जी उसमें चटनी और दही डाल के उसके साथ सर्व किया जाएगा। प्राइस इसकी एक प्लेट का रहता है 75 रुपए, और साथ में आपको इसके दो तरह के अचार भी मिलते हैं। मेकिंग मैंने आपको इसकी पूरी दिखाई दी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इसे बनाने का प्रोसेस कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।